यूपी सिटी न्यूज। यूपी सरकार देती है विधवा महिलाओं को पेंशन। आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना में विधवाओं के लिए आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। विधवा पेंशन योजना विधवा महिलाओं के लिए है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओं को यूपी सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 रुपए की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी, जिससे महिलाएं अपना भरण पोषण आसानी से कर सकती हैं और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस योजना के कार्यान्वयन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य की केवल उन विधवा महिलाओं को पात्र माना जाएगा जिनकी स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी विधवा महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। प्रदेश में पेंशन योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार की मदद से योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। इस योजना में आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि सिर्फ वही महिलाएं उठा सकती हैं जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, और इसका लाभ अन्य सभी गरीब विधवा महिलाओं को दिया जाएगा। अगर कोई विधवा महिला नौकरी करती हो या फिर कई और से पेंशन की हकदार हो, ऐसी महिलाओं को विधवा पेंशन योजना से वंचित रखा गया है। वहीं यदि विधवा ने योजना के दौरान दोबारा विवाह कर लिया है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती। आवेदन की प्रक्रिया भी जान लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाली विधवा की आयु 18 से 60 वर्ष होनी जरूरी है। आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। इस योजना के आवेदक को दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, जन्म प्रमाण पत्र व पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज के फोटो के साथ आदि दस्तावेज को दिखाना जरूरी है। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को, अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।